अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़े थे। आज उन्हीं रूल्स को हमने क्वेश्चंस पर एग्जांपल्स पर अप्लाई करना है। पहले जो रूल हमारे पास था वो था लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी 1+1 ओवर एन टू रेज पावर एन इज इक्वल टू एक्स ई, ई के इक्वल था। इसी का हमने एक और फॉर्म पढ़ी थी, अगर हम एन को 1/x और एक्स को 1/n के, मतलब 1/n को एक्स और एन को 1/x से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास बन जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1+x टू रेस पावर 1/x इज इक्वल टू ई। उससे नेक्स्ट हमारे पास ए टू रेस पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स वन एक्स अप्रोचेज 0 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। जो लॉग, ये लॉग ऑफ बेस ई होता है वो नेचुरल लॉग होता है। उसी की एक और फॉर्म हमने पढ़ी थी, अगर हम ए को ई से रिप्लेस कर दें यानी ई बेस जो है उसको चेंज कर दें तो हमारे पास बन जाता है ई टू रेस पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, और लिमिट अप्रोच अगर हमारे पास कर रही हो 0 को तो जो आंसर होता है वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह कुछ रिजल्ट है, ई टू रेस पावर एक्स वन एक्स अप्रोच इज पॉजिटिव लिमिट इन्फिनिटी तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी होता है। सेम ई टू रेस पावर एक्स लेकिन एक्स जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अगर अप्रोच करें तो आंसर 0 के इक्वल होता है। ए डिवाइड बाई एक्स लिमिट चाहे पॉजिटिव को या नेगेटिव को इन्फिनिटी को अप्रोच करें जो आंसर होता है वो 0 होता है। अब यही सारे रूल्स हमने अप्लाई करने हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है उसमें हमारे पास 1+3 डिवाइड बाई एन टू रेस पावर 2n दिया हुआ है। अब इसको हमने 1+1 ओवर एन टू रेस पावर एन वाली फॉर्म बनानी है क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो अप्रोच करें इन्फिनिटी को, अगर 0 को अप्रोच करती तो हम सेकेंड वाली 1+x टू रेस पावर 1/x वाली फॉर्म बनाते। अब यहाँ पर हमारे पास 3/n है, इस 3/n को हम n/3 वाली फॉर्म में पुट कर सकते हैं यानी n अगर फर्स्ट नंबर और वन नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर है तो ये फर्स्ट वाला नंबर है वो थर्ड स्टेप में आके सेकंड नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 1+3 डिवाइड बाय n टू रेस पावर 2n में क्या किया है, 1+ इस 3n को या 3 डिवाइड बाय n को, ये 3 जो था उसको n से जाके फर्दर डिवाइड कर दिया तो ये तो हमारे पास बन गई 1+1 ओवर n वाली फॉर्म यानी ये n है। तो अभी पावर में भी हमें n चाहिए यानी n डिवाइड बाय 3 हमें पावर में चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या है 2n है। अगर हम चाहे तो 3 से इस n से डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो n/3 बनाने के लिए हम 3 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। डिवाइड करने से हमारे पास n/3 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई 3 किया उससे पावर हमारे पास 6 आ जाएगी तो 6 बाहर ले लिया, ये हमारे पास बन गया 1+1 ओवर n टू रेस पावर n। इसका जो आंसर है अगर हम लिमिट ले लें n इन्फिनिटी पर क्योंकि हमने चेंज किया यानी हमने n को चेंज करा है यहाँ पे n/3, वहाँ n था और यहाँ n/3 है तो हम उसकी लिमिट्स भी चेक कर लेते हैं कि लिमिट्स भी वैसे ही हमारे पास बिहेव करेंगे जैसे इसकी बिहेव करनी है। जैसे यहाँ पर अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे n/3 भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर n की जगह आप इन्फिनिटी पुट करो तो n डिवाइड बाई 3 भी इन्फिनिटी ही होगा। तो यानी हमारे पास इस n/3 को हम m से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लिमिट m अप्रोचेज इन्फिनिटी ये 3/n को हमने पुट कर दिया यानी n/3 को हमने पुट कर दिया कि m के इक्वल है, इस n/3 को हम ले लेते हैं ये m के इक्वल है तो यहाँ पावर n आ जाएगी। अगर n/3 इक्वल टू m है तो 3/n यानी उसका उलट क्या हो जाएगा, वो 1/ m के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई है और यहाँ पर हमारे पास पावर 6 भी साथ आएगी। तो यहाँ पे हमने पावर 6 भी साथ देनी है, यहाँ जो है वो पावर 6 साथ आ जाएगी क्योंकि वो पावर 6 हमारे पास बाहर एज इट इज उसको हमने रूल पे अप्लाई, रूल जो था हमने लिमिट जो थी वो अंदर ले ली थी और उससे हमारे पास रूल जो था वो उसका आंसर तो 6 ई आ गया था, बाकी जो 6 थी वो हमारे पास बाहर एज इट इज आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया था टोटल ई के इक्वल और जो पावर थी वो हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एच अप्रोच 0 1+2h डिवाइड बाई 1/h यानी 1+x डिवाइड बाई 1/x इज इक्वल टू हमारे पास अगर h अप्रोच करो 0 को तो हमारे पास e के इक्वल आ जाता है। यहाँ तो 1+2h है, यहाँ पर भी हमारे पास 1/2h होना चाहिए, जैसे यहाँ x है तो यहाँ 1/x होना चाहिए। अब x जो है वो 2h है तो 1/2x में भी यहाँ पे 2h होना चाहिए तो हम 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, जो मल्टीप्लाई है उसको बाहर हम थोड़ी बाहर ले लेंगे और 1/2h ये अंदर आ जाएगा, इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, इसका टोटल का आंसर जो है वो ई के इक्वल आ जाएगा। यानी हम सपोज कर लेते हैं 2h जो है वो m के इक्वल है तो 1/2h हो जाएगा, वो 1/m के इक्वल हो जाएगा। अगर h यानी जो फिर हमारे पास m जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा,
टू एच के इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अगर एच अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी एच अगर हम जीरो पुट कर दें तो एम भी जो होगा वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हम एच को भी एम से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो हमें लिमिट भी चेंज, लिमिट में जो वेरिएबल है वो भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक इक्वल आ गया और ये जो टू था वो स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट है सैंडविच थ्योरम। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड एच ऑफ एक्स लिमिट अप्रोचेस सी इज इक्वल टू एल देन लिमिट एक्स अप्रोचेस सी ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यानी हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स सबसे स्मॉलेस्ट है, जी ऑफ एक्स उससे बड़ा है और एच ऑफ एक्स उससे बड़ा है। यानी हमारे पास सीक्वेंस में तीनों फंक्शन नहीं है। अगर सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा फंक्शन, सॉरी, और सबसे बड़ा फंक्शन किसी एक लिमिट को अप्रोच कर रहा है तो जो सेंटर में होगा, जो सब मिडल जो फंक्शन होगा, यानी सबसे बड़ी चीज़ भी फंक्शन भी एक नंबर को अप्रोच कर रहा है और सबसे छोटा भी एक को अप्रोच कर रहा है और सबसे बड़ा भी एक फिक्स नंबर को अप्रोच कर रहा है, तो जो मिडल में फंक्शन होगा वो खुद ब खुद अप्रोच करेगा। इसलिए इसको सैंडविच कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट और ये लास्ट जो फंक्शन है उनके दरमियान जो जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है वो सैंडविच हुआ हुआ है। उसका जो भी आंसर आया, उसका जो आंसर, जो लिमिट आएगी बीच वाले की भी, खुद ब खुद से वही लिमिट आ जाएगी। यानी अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस सी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड, यानी सबसे छोटे फंक्शन की, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, सबसे बड़े फंक्शन की भी लिमिट एल है और सबसे छोटे फंक्शन की भी, तो दरमियान में हमारे पास जो सैंडविच हुआ हुआ फंक्शन वो भी, उसकी लिमिट भी खुद ब खुद एल के इक्वल आ जाएगी। अब इसी थ्योरम के आगे हमने थोड़ी सी अप्लाई करके कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं। इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू वन। यानी हमने सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हुए ये प्रूव करना है कि साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा जो होता है वो इक्वल टू वन के इक्वल होता है। टू इवेल्यूएट दिस लिमिट वी अप्लाई अ न्यू टेक्निक। इसको हमें फाइंड आउट करने के लिए एक नई टेक्निक यूज़ करेंगे। हम एक पॉजिटिव थीटा ले लेंगे, अक्यूट सेंट्रल एंगल, अक्यूट होता है जो 90 से कम होता है। सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज इक्वल टू वन। अब हमने एक अक्यूट एंगल ले लिया जो 90 से कम था। अब ये नज़र आ रहा है आपको 90 पर, तो हमारे पास स्क्वायर सा एंगल बन जाता है। ये 90 से कम एंगल है, रेडियस जो है वो सर्कल का 1 है, ये भी सर्कल का, ये हमारे पास सर्कल का एक पार्ट बन रहा है सेक्टर, ये ए से लेके बी तक। तो जो हमारे पास सेंटर ओ है, सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पार्ट तक जो होता है वो रेडियस होता है। रेडियस 1 है तो ये रेडियस, सारे रेडियस एक जितने होते हैं, ये रेडियस 1 है तो ये भी रेडियस जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा। एस शोन इन फिगर ओ ए बी रिप्रेजेंट द सेक्टर ऑफ सर्कल। जो ओ ए और बी है वो सर्कल का एक सेक्टर, यानी सर्कल का एक, जो ये इस तरह की शेप होती है ना, यहाँ पे दो दो हमारे पास क्या है, रेडियस है और एक जो है वो आर्क से मिलकर जो बनता है वो सेक्टर होता है, तो ये सेक्टर हमें शो कर रहा है। गिवन ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 1, यानी ओ ए और ओ बी जो है वो इक्वल टू 1 है, उनकी लेंथ जो 1 है, क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस में बता दिया कि वो इक्वल टू 1 है, तो उसकी लेंथ जो जो लाइन रेडियस को शो करी होगी वो भी इक्वल टू 1 होगी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी। अब हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है ओ सी और ये बी, यानी हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी ओ सी और ये बी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। इस ट्राइंगल में हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये होता है जो 90 डिग्री के साथ कनेक्टेड होता है। बेस जो होता है, जो हमारे पास एंगल होता है ना थीटा वाला, उससे जो कनेक्टेड होता है वो बेस होता है, और 90 डिग्रीज के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल है, प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी बीसी ओवर, प्रिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सॉरी, प्रिपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनस है हमारे पास ओबी। ओबी इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास नीचे अगर 1 लिख दें तो सिर्फ साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बीसी के इक्वल आ जाएगा। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये प्रिपेंडिकुलर है, प्रिपेंडिकुलर हमारे पास है ए डी। अब ये ट्राइंगल उन्होंने ले ली ओ ए डी। अब ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल बन रही है, बड़ी वाली ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ए डी प्रिपेंडिकुलर है और बेस जो है वो ओ ए है। ओ ए भी क्योंकि हमारे पास रेडियस है, उसका रिजल्ट 1 के इक्वल है, बाकी सारा बचा ए डी। ये साइन थीटा हमारे पास बी सी के इक्वल है और टेन थीटा जो है वो ए डी के इक्वल है। इन टर्म्स ऑफ थीटा द एरिया आर एक्सप्रेस्ड एस, यानी अगर हम थीटा की फॉर्म में लें तो हमारे पास एरिया कैसे आ जाते हैं, एक तो हमारे पास बन रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक बन रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जो बड़ी वाली ट्राइंगल ओ ए डी। ये तीन चीज़ें बन रही हैं जिनके एरियाज हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
पहला है ए ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए और ये बी, ये जो हमारे पास बन रहा है किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, जो हमारे पास होता है एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस, जो हाइट और बेस के प्रोडक्ट के इक्वल, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास 1/2 ओ ए किसके इक्वल है, ये बेस था, उसका आंसर जो था वो 1 के इक्वल था। बी सी जो है वो उसकी हाइट है इस ट्राइंगल की, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होती है, 1/2 हमारे पास आ जाएगा। बेस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल, और ओ ए जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। बी सी हमने फाइंड आउट किया था वो साइन थीटा के इक्वल था, यहाँ पे हमारे पास आ गया ट्राइंगल ओ ए बी का जो एरिया है वो इक्वल है 1/2 साइन थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी वाला जो सर्कुलर जो पार्ट बन रहा है ना, जो सेक्टर से बन रहा है, उसका क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये सर्कुलर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है। 1/2 रेडियस हमें पता है, आर 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, थीटा हमारे पास थीटा ही आ जाएगा, तो 1/2 थीटा आ जाएगा। अब है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ए बड़ी वाली ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस यहाँ पर भी क्या है ओ ए है, हाइट यहाँ पे क्या है अब ए डी हाइट है, ए डी हाइट आ जाएगी 1/2 ओ ए 1 के इक्वल है, और हाइट जो ए डी है वो टेन थीटा के इक्वल है, ये 1/2 टेन थीटा आ जाएगा। अगर हम देखें तो सबसे छोटी शेप कौन सी बनती है, ट्राइंगल बनती है ओ ए बी वाली, उससे बड़ी शेप जो बन रही है वो ओ ए बी, जो सर्कुलर से बन रही है, सर्कुलर लाइन से जो बन रही है वो ओ ए बी है। सबसे बड़ा जो है वो ट्राइंगल ओ ए डी है, तो सबसे बड़ा एरिया भी ट्राइंगल ओ ए डी का होगा, तो हम लिख देते हैं 1/2 सबसे छोटे का लेस है, सेकेंड वाला थीटा 2 आ जाएगा, थर्ड वाला 1/2 टेन थीटा आ जाएगा। अगेन साइन थीटा इज पॉजिटिव, सो ऑन बाय डिवीजन 1/2 साइन थीटा वी गेट, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो हम 1/2 साइन थीटा पॉजिटिव है, और हम क्या करेंगे 1/2 साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इनइक्वालिटी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज से डिवाइड करें तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर आपके पास चेंज हो जाएगा, यहाँ यहाँ आपके पास ऑलरेडी क्या था थीटा बाय 2 था, तो यहाँ पर आपने थीटा बाय 2 1/2 साइन थीटा से किया, तो वो थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2 जो था ना वो 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर थीटा रह गया नीचे साइन थीटा रह गया, लास्ट में आपके पास कहाँ था वहाँ था 1/2 टेन थीटा, तो 1/2 साइन वाला और टेन वाला, ये वाला जो था 1/2 इस वाले 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर टेन थीटा नीचे साइन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल, साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, नीचे रह जाएगा 1 ओवर cos थीटा आ जाएगा। अब 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 2, दैट इज अगर आप इसको, आपको आपको प्रूफ क्या करना था, साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें फॉर्म भी साइन थीटा बाय थीटा वाली फॉर्म चाहिए, तो हम इस इनइक्वालिटी में जो न्यूमिरेटर में उसको डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को जो है वो न्यूमिरेटर में चेंज कर देंगे, यानी साइन थीटा उसको ऊपर ले जाएंगे और थीटा को नीचे ले जाएंगे, कॉस थीटा को ऊपर ले जाएंगे 1 को नीचे ले आएंगे, 1/1 है, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ भी होंगी, वो चेंज रहेंगी, जो बड़ी चीज़ फॉर एग्जाम्पल अब ये छोटा नंबर था, ये बड़ा नंबर था और ये उससे बड़ा नंबर था, जब इसका न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में चेंज करते हैं इनइक्वालिटीज़ में, तो हमारे पास साइन भी, इनइक्वालिटी भी जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, यानी जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा और जो लेस था वो ग्रेटर हो जाएगा, यानी ये चीज़ लेस थी अब ये ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली चीज़ आपके पास ग्रेटर थी तो वो लेस हो जाएगी, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम लिख लें, सबसे छोटी चीज़ को सबसे लास्ट में लिख लेते हैं, फिर साइन थीटा बाय थीटा आ जाएगा, और जो 1 था वो सबसे बड़ा था, इसको हमने पहले लिख लिया। अगर थीटा अप्रोच करता है 0 को, क्योंकि हमने यही प्रूव करना है, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर थीटा अप्रोच करता है 0 को, तो कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा जो 0 पे होता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो अगर थीटा जो है वो 0 के क्लोज जाएगा तो कॉस थीटा किसके क्लोज जाएगा 1 के, क्योंकि कॉस 0 पे जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी इसका आंसर भी किसके इक्वल होगा 1 के, 1 का आंसर तो वैसे ही 1 के इक्वल है, उस पर कोई लिमिट, इसमें थीटा ही नहीं है तो लिमिट का उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है, ये है ही 1 के इक्वल, तो जो सेंटर वाला है सैंडविच थ्योरम से, अगर सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट एक ही चीज़ को अप्रोच कर रही हो, तो हमारे पास सेंटर वाला भी उसी को अप्रोच करता है, 1 तो है ही 1, तो वो उसका आंसर 1 है, जैसे जैसे थीटा 1 0 क्लोज जाएगा, कॉस 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये भी 1 आ जाएगा, तो सेंटर वाला बाय सैंडविच थ्योरम खुद ब खुद आपके पास इक्वल टू 1 आ जाएगा।
दिस सेम होल्ड फॉर माइनस, ये उन्होंने पॉजिटिव पार्ट के लिए प्रूव किया था जीरो से पाई बाय टू। वो कह रहा है अगर माइनस पाई बाय टू से थीटा तक होगा, जीरो से होता, तब भी वही आपके पास सेम रिजल्ट ही होता। अब इसी को हमने एग्जाम्पल्स पे शो करना है। इवेल्यूएट लिमिट थीटा अप्रोच जीरो साइन सेवन थीटा बाय थीटा, ये आपने प्रूव। अब यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर भी थीटा होता है और यहाँ पर भी, यानी साइन के साथ जो एंगल होता है वो नीचे भी एंगल होता है। यहाँ पर साइन के साथ डिफरेंट एंगल है, यहाँ पर डिफरेंट एंगल है। इसको हम ले लेते हैं कि किसके इक्वल है, वो एक्स के इक्वल है, ताकि हम सेम बना लें, एक ही फॉर्म में ले आए, साइन थीटा बाय थीटा या साइन एक्स पर एक्स वाली फॉर्म बना लें। तो साइन थीटा सेवन थीटा को हमने लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल है, यहाँ से हमने निकाल ली थीटा की वैल्यू विच इज इक्वल टू एक्स बाय सेवन। अब हम जब पूरे फंक्शन को x में चेंज कर रहे हैं तो हमें लिमिट भी x की चाहिए, यानी अगर थीटा जीरो को अप्रोच कर रहा है तो x किसको अप्रोच करेगा, वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। थीटा अगर जीरो के क्लोज आ रहा है तो x क्या होगा, x जो है वो सेवन थीटा है। अगर थीटा जीरो को क्लोज जीरो के इक्वल हो रहा है तो x जो है वो भी सेवन मल्टीप्लाई जीरो जीरो के इक्वल हो रहा है, यानी अगर थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो को तो x भी अप्रोच करेगा जीरो को। तो इस पूरे फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। अब थीटा की जगह, यानी थीटा अप्रोच करा जीरो को तो एक्स भी जीरो को अप्रोच करा, इस थीटा की जगह एक्स आ जाएगा। सेवन थीटा को हमने कहा था कि वो एक्स के इक्वल है और इस थीटा को हमने कहा था कि वो एक्स बाय सेवन के इक्वल है। इस सेवन को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस नीचे वाले सेवन में कोई भी एक्स नहीं है तो इस पर लिमिट का कोई असर नहीं होता, इसको हम अब बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वन बाय सेवन, जैसे मैंने आपको बताया ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी होता है, तो हमारे पास ये जो सी होता है वो ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो इस सेवन को हम साइन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेवन साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स। अब सेवन तो कांस्टेंट है, उस पर कोई लिमिट का असर नहीं होगा, तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। बाकी बच जाएगा आपके पास साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स। साइन थीटा बाय थीटा और थीटा अप्रोच करा जीरो को तो वन के इक्वल होता है, ये सेम चीज़ एक्स भी से भी प्रूव होगी। थीटा की जगह हम एक्स लिख दें तब भी यही हमारे पास रिजल्ट होगा, तो हमारे पास सेवन के इक्वल आ जाएगा टोटल आंसर। नेक्स्ट हमने करनी है इवेल्यूएट लिमिट थीटा अप्रोचेज जीरो वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय थीटा, इसकी लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है। वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय थीटा, इसमें हमारे पास साइन थीटा तो है नहीं, तो हमें साइन थीटा बाय थीटा वाली फॉर्म बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम कॉन्जुकेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। नीचे हमारे पास थीटा वन प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर उधर ले जाए तो वो साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ टू साइन है और एक नीचे थीटा है, तो इसमें से अगर मैं एक साइन अलग कर लूँ और उसको थीटा से पेयर कर लूँ तो लिमिट लूँ तो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू वन आ सकती है। तो एक साइन थीटा को हमने इस थीटा के साथ अलग कर लिया, एक साइन थीटा को अलग कर लिया, एक वन ओवर कॉस थीटा को अलग कर लिया। अब हम लिमिट ले लेंगे थीटा पे कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे भी लग जाएगी। अब इस साइन जो लिमिट होती है वो अलग हो जाती है, अगर तीन फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं, हमने लिमिट के जो थ्योरम पढ़े थे उसमें प्रोडक्ट के लिए पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन हैं और दोनों पर दोनों फंक्शन ऑफ एक्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट अलग अलग फंक्शन पे, एफ फंक्शन पे अलग, जी फंक्शन पे अलग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये समझ लो एफ फंक्शन है, जी फंक्शन है, एच फंक्शन है, तो एफ फंक्शन पे अलग अप्लाई हो जाएगी, जी पर अलग अप्लाई हो जाएगी और एच पर अलग अप्लाई हो जाएगी। यहाँ हम लिमिट लें साइन की जगह, साइन जीरो जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोच जीरो साइन थीटा बाय थीटा, ये बाय थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा वो उसके इक्वल टू वन होता है। अब वन प्लस वन कॉस थीटा जो होता है कॉस जीरो पे अगर पुट करेंगे कॉस जीरो वन होता है, तो ये आपके पास वन, वन प्लस वन ये टू बन जाएगा। लेकिन एक हमारे पास जीरो आ गया, जीरो से कितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाए, एक मल्टीप्लाई कर दे, दो मल्टीप्लाई कर दे, सबका जो रिजल्ट होता है वो जीरो के इक्वल आ जाता है। जीरो मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन जीरो के इक्वल होता है, तो ये भी हमारे पास टोटल जीरो के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स एंड हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। जो हमने थ्योरम्स पढ़े थे पाँच छः उसको हमने यूज़ करना है, यानी सम हो रहा है, टू फंक्शन है, ये हमारे पास समझ लेते हैं टू फंक्शन है, तो सम अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शन पर अलग अलग लिमिट लेके उन दोनों का आंसर जो है प्लस कर देंगे। माइनस होगा बीच में तो दोनों का लिमिट लेके दोनों को माइनस कर देंगे। प्रोडक्ट होगा तो तीनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, तीनों का आंसर को प्रोडक्ट कर देंगे। डिवाइड हो रहा होगा समथिंग डिवाइड बाय, तो ऊपर वाले पे अलग लिमिट ले लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर पे अलग ले लेंगे, दोनों के आंसर को डिवाइड कर देंगे। फिफ्थ हमारे पास पावर रूल है, तो पावर रूल में हम क्या करते हैं, अंदर जो फंक्शन है पावर की उसकी लिमिट फाइंड आउट करके बाद में जो आंसर आएगा उसकी हम पावर रूल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास सवाल है लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 2x plus 4
यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे इस फंक्शन पे, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले टर्म पे अलग लिमिट ले लेंगे, सेकंड पे अलग ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे टू जो है वो थ्री, टू जो है वैसे भी कॉन्स्टेंट है और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें लिमिट सिर्फ एक्स वाली एक्स वाले नंबर्स पे अप्लाई करना होती है एक वेरिएबल पे, तो टू हम कॉमन निकाल लेंगे, लिमिट एक्स पे लगेगी, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया थ्री, टू थ्री जो सिक्स, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फोर था तो फोर वैसे ही कॉन्स्टेंट है, उसमें कोई एक्स नहीं है तो उसका आंसर फोर ही आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ फोर ही आना है, यहाँ पे आपके पास जो है वो फोर ही आएगा। यहाँ फोर आ जाएगा, ये टू थ्री और सिक्स प्लस फोर ये टेन के इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास लिमिट फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एज इट इज आपने जैसे आपने फर्स्ट किया, बस यहाँ पे थोड़े से नंबर्स का डिफरेंस है, आपने वही आपने करना, पहले फर्स्ट को अलग लिमिट ले लेनी है, सेकंड पे अलग लिमिट ले लेनी है, थर्ड पे अलग ले लेनी है, जहाँ प्लस लिमिट्स के जो आंसर आएंगे उनको जहाँ प्लस है वहाँ प्लस कर देना, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस कर देना, और इसका जो टोटल रिजल्ट है वो इक्वल टू एल, जो लिमिट निकलेगी वो आंसर जो है फाइव निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस थ्री स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर। अब जब पावर रूल आपने पढ़ा था, पावर रूल में क्या होता था, अंदर वाले फंक्शन की हम लिमिट ले लेते थे, बाद में उसकी पावर अप्लाई कर देते थे, यहाँ भी अगर आप देखो तो पावर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू, तो हम क्या करेंगे पावर वन बाई टू ले लेंगे और लिमिट अंदर अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर है तो मतलब ये थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स है तो उसमें मतलब थ्री आ जाएगी लिमिट, फोर नंबर है उस पर कोई भी एक्स नहीं है तो हम फोर ही लिखेंगे, इन तीनों का आंसर हमने निकाल लिया, नाइन स्क्वायर नाइन प्लस थ्री प्लस फोर सिक्सटीन, वन बाई टू यानी वन बाई टू सिक्सटीन का स्क्वायर रूट, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर के इक्वल होता है और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हैं, एक एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर से, तो आपने क्या करना है इस एक्स वाले फंक्शन पे लिमिट अलग ले लेनी है और जिसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर लिमिट अलग ले लेनी है, इस एक्स पे जब लिमिट होगी तो आंसर इसका टू आएगा, जब यहाँ पर है तो ये हमने अंदर, आप वन बाय टू में चेंज ना भी करें तो आप क्या करेंगे अंदर वाले फंक्शन की लिमिट ले लोगे, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस फोर, ये फोर माइनस फोर जीरो आ गया, इसका आंसर जो है लिमिट का इक्वल टू जीरो आ गया। अभी नेक्स्ट सवाल है, आपने स्क्वायर रूट पे या रूट्स पर आपने लिमिट कैसे अप्लाई करनी है वो दो एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं, अब यहाँ पे आपने इस वाले पे अलग कर लेना, माइनस लिमिट एक्स क्यूब प्लस वन स्क्वायर रूट माइनस लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर रूट, अब इस पे आपने अलग अप्लाई करनी है, इस पे अलग करनी है, दोनों के आंसर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर है वो आपके पास इक्वल टू जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वाला, आपने क्या करना है लिमिट न्यूमिनेटर पे अलग अप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई करनी है, तो दोनों का रिजल्ट निकलेगा, अगर वो कैंसिल आउट होता है तो उसको फिर आपने कैंसिल आउट करने के बाद उसका आंसर निकालना है, इसका जो आंसर है वो एल इज इक्वल टू थर्टीन बाय फोर है। नेक्स्ट है इवेल्युएट लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, जो हमने पहले लिमिट्स पढ़ी थी, रिजल्ट हमने पढ़े थे कि अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो जीरो बाय जीरो फॉर्म, यानी अगर आप यहाँ वन माइनस वन वन माइनस वन यानी आप लिमिट पुट कर देते हो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बन जाती है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, उसके लिए हमने कुछ आपने कॉमन निकालना होता है, उसको फैक्टराइज करना होता है, कुछ कैंसिल आउट टर्म्स हो जाती हैं, कैंसिल आउट होने के बाद फिर आपने उसमें लिमिट पुट करनी होती है, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइड किया है एक्स प्लस वन, ऊपर से हमारे पास एक्स कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकलने के बाद हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमने फॉर्म में लिख दिया, प्लस वन से कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा एक्स इंटू एक्स माइनस वन, अब आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं आएगी, तो यहाँ से आपके पास एक नंबर आ जाएगा एल इज इक्वल टू टू और यही हमारी लिमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसने भी आपके पास यही इसी तरह का क्वेश्चन, आपने यहाँ पर भी कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करनी है टर्म्स और टर्म्स कैंसिल आउट करने के बाद फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, इसका जो रिजल्ट होगा वो एल इज इक्वल टू फोर आएगा, ये भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस एट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, अब ये ए क्यूब माइनस टू क्यूब, एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब बन सकता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला ऊपर ओपन कर लेना है, नीचे वाली टर्म्स को आपने फैक्टराइज कर लेना है, फैक्टराइज करने के मतलब पेयर्स बना के आपने उसके दो फैक्टर्स बना लेना है, फिर आपके पास टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होने के बाद आपने लिमिट पुट करनी है तो आपके पास एल आ जाएगा ट्वेल्व बाय फाइव। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें आपके पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन है, नीचे एक्स क्यूब माइनस एक्स है, अब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन को ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला यानी माइनस वन क्यूब वाला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस
बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर लिया। फॉर्मूला ओपन करने के बाद बाकी जो बचा उसमें से माइनस थ्री एक्स कॉमन निकाली, एक्स माइनस वन बन गया। नीचे से हमारे पास एक्स कॉमन निकला तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा, तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन में कन्वर्ट हो गया। अब इधर भी एक्स माइनस वन है, इधर भी एक्स माइनस वन है, कॉमन निकाल लिया। बाकी बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ से माइनस थ्री एक्स बच गया, उसको कंबाइन कर लिया। एक्स माइनस वन ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो गया, बाकी नीचे रह गया एक्स इंटू एक्स प्लस वन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स और ये प्लस वन बच गया। इसके बाद हमने लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो एल इज इक्वल टू जीरो आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फाइव, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसमें से भी आप ऊपर से कॉमन निकाल सकते हो, नीचे से आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। फॉर्मूला ओपन करने के बाद कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो एल इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपके पास टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री थर्टी टू दिया हुआ है। थर्टी टू नीचे आपके पास एक्स क्यू माइनस फोर एक्स, यहाँ से पहले टू कॉमन निकाल लिया, टू कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बचता है। नीचे से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन बन निकाल लिया, एक्स माइनस फोर बचता है। फिर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म यानी बी फोर स्क्वायर बन जाएगा, एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस फोर आ जाएगा। फिर एक्स माइनस फोर दो नीचे से कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी आपके पास जो टर्म बचती है उसमें आपने लिमिट फोर पुट कर दी, पुट करने से आपके पास जो आंसर है वो इक्वल टू वन आ गया। अभी तक के लिए आपने यही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो उसमें से रिमेनिंग है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी इसी क्वेश्चन के जो आगे पार्ट्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे।